रोमांचक खेलों का शौक रखने वालों के लिए एशिया के सबसे ऊंचे बांध की टिहरी झील में विशेष तैराकी संपन्न हुई। खास इसलिए कि एक पिता और उनके दो बेटे बिना लाइफ जैकेट के 75 किलोमीटर लंबी और 42 स्क्वायर मीटर वाली टिहरी झील में आज 15 किलोमीटर तक तैराकी करते दिखाई दिए। 2021 में इन लोगों ने टिहरी झील में 12 किलोमीटर तक की तैराकी की थी। टिहरी झील में सोमवार की सुबह जब मोटाणा गांव के त्रिलोक सिंह अपने दोनों बेटों ऋषभ और पारसवीर के साथ कोट कॉलोनी से सियासु पुल तक की दूरी बिना लाइफ जैकेट पहने तैरकर पार करने उतरे तो उनका हौसला देखने लायक था। बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल ने उन्हें हरी झंडी दिखाकर तैराकी के लिए रवाना किया। त्रिलोक सिंह रावत और उनके बेटों की सुरक्षा और समय मापने के लिए SDRF, जल पुलिस और THDC की बोट तैनात रही। 30 सितंबर 2021 को भी तीनों ने 12 किलोमीटर की दूरी कोटी कॉलोनी से बलियाणा तक 4.5 घंटे में तैरकर पार की थी और सोमवार को भी त्रिलोक ने 5.5 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी पार की। त्रिलोक रावत का कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूरी उम्मीद है कि वो उनके हौसले को मजबूत करेंगे। महसूस तो अति प्रसन्नता हो रही है जो कि स्वाभाविक सबको होती है। और क्या चाहते हैं आप लोग आगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मेरे दोनों बालकों को सरकार के खर्चे पे इनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि ये भविष्य में भारत के लिए अच्छा कर सके। त्रिलोक के बेटे ऋषभ ने 15 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे 45 मिनट और पारस ने 5 घंटे 15 मिनट में तय की और अपने फिटनेस का परिचय दिया। किस तरह से आज रिकॉर्ड बनाया आपने? सर हमने ये पिछली बार का रिकॉर्ड, खुद का रिकॉर्ड तोड़ा। पिछली बार हमने लगभग 12-12.5 किलोमीटर तैराकी की थी कोटी कॉलोनी से मोटाणा बैठे और इस बार हमने उससे आगे जो सियासु पुल है वहाँ तक है हम कोटी से। DM मयूर दीक्षित ने तीनों कुशल तैराकों को कलेक्ट्रेट में माला शॉल भेंट कर सम्मानित किया और कहा कि पहाड़ों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, यदि प्लेटफॉर्म मिल जाए तो यहाँ के युवा भी हर क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। ये हमारे जनपद के लिए काफी गर्व की बात है कि त्रिलोक जी ने साथ ही अपने दोनों सुपुत्रों के साथ ऋषभ और पारस के साथ करीबन 15 किलोमीटर की बिना रुके तैराकी करी है और उसमें करीबन इनको 5 घंटे लगे हैं और इसमें ये अपने उन्होंने बताया कि पिछली बार जब इन्होंने करा था उससे ज्यादा इस बार कराए, अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। तो निश्चित तौर पे उनके लिए प्लस यहाँ के युवाओं के लिए तैराकी के फील्ड में एक बहुत ही आगे जाने के लिए अच्छा एक ये इंसिडेंट है और हम लोग प्रयास करेंगे कि जिला प्रशासन या राज्य सरकार की तरफ से बच्चों को स्विमिंग के क्षेत्र में और आगे बढ़ाने के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में कार्य करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष नौटियाल ने भी कहा कि साहसिक खेलों के लिए हुनर, साहस और तकनीक जरूरी है जो इन पिता पुत्रों में साफ दिखता है। उन्होंने कहा कि वो भी प्रयास करेंगे कि सरकार के स्तर पर उन्हें सहायता और सराहना मिले। और अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी आपको यहाँ पे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए इनको सम्मानित किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनके लिए राज्य सरकार से जिस स्तर की मदद इनके प्रशिक्षण से लेकर की जा सकती है वो हर संभव प्रयास करेंगे। 42 स्क्वायर किलोमीटर में फैली टिहरी झील में पहले भी त्रिलोक सिंह रावत और उनके बेटों ने टिहरी झील में 12.25 किलोमीटर की तैराकी की थी और ये दूरी 3.5 घंटे में तय की गई थी। टिहरी से टीम न्यूज स्टेट। और चलिए बात करेंगे बुलंदशहर की जहां पर